Hello everybody, in this video we'll be starting the module A of your ABM component for CAIIB exam. Unit 1 से हम start करेंगे which is your definition of statistics, importance and limitations and डेटा कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होने वाला है. यहाँ पे आपको अगर स्टैट्स के बारे में जानना है बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, सो दिस इज़ द चैप्टर विच यू कैन टारगेट. जैसा कि हम सबको पता है कि मॉड्यूल ए में से जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, बट लास्ट साइकिल में हमने देखा था कि कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आए हैं. और आज जो हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिसिस का, उसके वेरियस फेजेस वेरियस स्टेप्स, वो हो सकता है कि इन फ्यूचर साइकिल पूछा जाए अगर थ्योरेटिकल पोर्शन को टारगेट करेंगे एग्जामिनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर कैब 2024 मास्टर कोर्स, जिसके अंदर आपके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं एबीएम का, बीएफएम का, एबीएफएम एंड बीआरबीएल का, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है हमारे कोर्स में. राइट नाउ आपके पास 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाली हैं. हर एक चैप्टर के बाद आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट. जैसा ही आपका एग्जाम पास में आएगा दैट इज़ इन द नवंबर वी विल बी स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस सो दैट एक क्विक रिवीजन सेशन भी आपका हो पाए एंड यू विल बी रेडी टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम. राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन आवर कोर्स, सो डू चेक आवर वेबसाइट एंड एनरोल इन द कोर्स इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. आज का जो टॉपिक है हमारा मेजरली वो रहने वाला है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा. जैसा कि हमें पता है कि डेटा का मतलब क्या रहता है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जो कि हम इंटरप्रेट करते हैं टू रीच अ सर्टन रिजल्ट. फाइन, अब कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वहाँ से स्टार्ट करते हुए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तक जब हम जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा. और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ डेटा इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. बस आपके जो एग्ज़ाम के लिए है वो यही रेलिवेंट है. अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको इतना पता होना चाहिए. डेटा मीन इन्फॉर्मेशन विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव कौन सा डेटा होता है जिसमें आप क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं. फाइन, QT करके एक टर्म है स्टैटिस्टिक्स में, सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि QT जो है वो हम किसकी करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा की. कोई कलर है, कोई आपने मिसमैच देखना है, या फिर आपने कंपैरिजन बेसिकली करना है जिसमें कि नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है. ओके, दैट विल बी नोन एज क्वालिटेटिव डेटा. क्वान्टिटेटिव में जहाँ पे आप नंबर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज कर रहे हो और एक कॉन्क्रीट रिजल्ट या कॉन्क्रीट आउटकम की तरफ लेके जा रहे हो अपने डेटा को. स्टैटिस्टिक्स मीन क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. फाइन, स्टैट्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा की हम बात नहीं करते हैं स्टैट्स में. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट फेजेस. कौन से फेजेस होते हैं जहाँ पे आप अगर एक क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू. सबसे पहला होता है collection of data, then is your classification and tabulation of data, after that you will analyze, that is analysis of data, and lastly it is the interpretation of data. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से phases होते हैं और कितने phase होते हैं. So 4 distinct phases are there for your statistical analysis of data. अब देखो वैसे तो इतना बड़ा concept नहीं है ये कि आपको अगर डायरेक्टली से क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं उसको बता पाएँ, बट एग्ज़ाम कंडीशन में हमें एटलीस्ट माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि इफ़ एंड बट है कि 4 फेजेज़ हैं, 3 फेजेज़ हैं, 10 फेजेज़ हैं, कितने फेज़ हैं. तो अगर 4 हैं तो कॉन्क्रीटली आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 4 फेजेज़ हैं, और अगर उस पर बेस कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 4 फेजेज़ हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सिंपल. अब एक एक करके देख लेते हैं. कलेक्शन ऑफ डेटा. इन दिस first stage of investigation, numerical data is collected from different published or unpublished sources, primary or secondary. अब primary और secondary data कौन सा होता है या फिर primary और secondary sources कौन से होते हैं. primary कौन सा होएगा जो कि supposingly World Bank ने जो अपना data है वो publish किया है regarding the currency in circulation. fine, currency in circulation. अगर इस पे based कोई data publish किया है World Bank ने तो it will be the primary data. सेकेंडरी डेटा क्या होगा, अगर हम अपने कंट्री दैट इज़ इंडिया के लिए यहाँ से करेंसी इन सर्कुलेशन का डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक रिपोर्ट बना देते हैं, देन वी विल से कि वी हैव यूज द प्राइमरी डेटा टू कम आउट फॉर योर सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी रिपोर्ट. फाइन, तो ये छोटी छोटी डिस्टिंक्शन हैं जो आपको पता होना चाहिए. दे विल हेल्प यू इन द एग्जाम एंड ऑल्सो इन योर बैंक ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पर भी आपने देखा है कि जितने भी आपके जो डेटा हैं वो जो स्ट्रक्चरिंग है उसका वो कैसे रहता है, MIS के थ्रू होता है, ईयर ऑन ईयर जो डेटा है, तो सारा का सारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा अगर उसका प्रोसेस आपको पता होगा तो थोड़ा इजी रह जाता है उसको इंटरप्रेट करना। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, द रॉ डेटा कलेक्टेड इज टू बी रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अब कलेक्ट तो कर लिया डेटा, उसको क्लासीफाई आप कैसे करेंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे, पाई चार्ट में करेंगे, या फिर कोई और मेथड है जो आप लगाएंगे। दैट कम्स अंडर योर सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। रॉ डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस एंड रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। फाइन, मोस्टली टेबल में होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल में हो सकता है। पाई चार्ट, बार ग्राफ, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैन बी देयर। एनालिसिस ऑफ डेटा, नाउ आपने कलेक्ट कर लिया, क्लासीफाई कर दिया, अब आप क्या करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे? यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज, मेथड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। अब डिफरेंट फार्मूलाज हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको डेटा का मीन निकालना है तो उसका डिफरेंट फार्मूला है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो डिफरेंट फार्मूला है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जो फार्मूलाज हैं वो भी वेरी करेंगे, मेथड्स विल ऑल्सो वेरी। कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है मीन का तो कुछ और होएगा उसका फार्मूला, सिंपल आपको मीन फाइंड करना है तो डेफिनेटली मेथड कुछ और होने वाला है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे आते हैं हम। This is the final stage wherein the relevant conclusions are drawn after the data is thoroughly analyzed. Fine, conclusion अगर आप बोलें तो कौन से स्टेज में होएगा? It will be done in the interpretation of data stage. तो चार phases होते हैं आपके statistical analysis of data के: collection, classification, analysis and interpretation। तो CCAI की तरह अगर आप इसको short form में याद करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन सिंपल ही होता है मॉड्यूल ए में से, देख लेते हैं क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा? द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस एनालिसिस। नो, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट कौन सा स्टेप है आपका? इट इज़ द कलेक्शन। Classified and tabulated data is analyzed using the different formulas and methods according to the purpose of study or investigation. Absolutely right. At the final stage, that is your कौन सा स्टेज है? Interpretation. Relevant conclusion are drawn after the data is thoroughly analyzed. Again, this is the correct statement. So option B will be the right answer. So thank you everybody. This was it for this lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JAIIB CAIIB. If you have any other feedback or any other query, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.